रिलीज से एक हफ्ते पहले बदला इमरान की फिल्म का टाइटल, अब होगा वहाँ चीट इंडिया। एजुकेशन सिस्टम पर बनी इमरान हाशमी की फिल्म चीट इंडिया अब नए टाइटल के साथ रिलीज होगी। CBFC ने फिल्म के टाइटल को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स टी सीरीज फिल्म्स, एलिप्सिस एंटरटेनमेंट और इमरान हाशमी फिल्म्स ने एक जामिंग कमेटी और रिवाइजिंग कमेटी से चर्चा के बाद फिल्म को नया टाइटल वहाँ चीट इंडिया दिया है। साथ ही फिल्म की टैगलाइन नकल में ही अकल है भी हटा दी गई है। मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि फिल्म पिछले एक साल से सार्वजनिक डोमेन में रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि थिएटर के टीजर, ट्रेलर और टेलीविजन प्रोमोस को पहले ही फर्स्ट टाइटल के साथ सर्टिफाई किया जा चुका है, नहीं मिला दूसरा विकल्प। मेकर्स के अनुसार फिल्म 18 जनवरी को रिलीज होने वाली है और महज एक हफ्ते पहले फिल्म को इस नाम के साथ रिलीज करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वैसे भी फिल्म को निर्धारित रिलीज डेट 25 जनवरी से पहले ही रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन शिवसेना संस्थापक रहे बाला साहब ठाकरे की फिल्म ठाकरे रिलीज हो रही है। इमरान ने कसा तमन्नज, फिल्म का टाइटल बदलने को लेकर इमरान हाशमी ने इंस्टाग्राम पर कैप्शन देते हुए तमन्नज कसा है। इमरान ने नया पोस्टर शेयर किया है, वहीं कैप्शन में लिखा है, मत पूछो क्या है लेकिन यह है क्यों।